खुमार में तेरे जी रहे यूं के हम सा कोई जिया न होगा। जी मिर्जा साहब, शायद किस्मत में ये दिन भी लिखा था। देखना, आपने बता दिया, आपका शुक्रिया। मामी, क्या हुआ? मामी, क्या बात? वही जो होना था। हमारा घर नहीं रहा लायबा, नीलाम हो गया। नहीं बेटा, ना रो मत, रो तुम दुआ करो कि तुम्हारे डैडी की जमानत हो जाए। इसकी जॉब हो जाएगी ना, यहां से चले जाएंगे। जब से मुझे पता चला इन सब चीजों के पीछे अपना भाभी का, तब से मुझे इस घर की हर चीज से नफरत हो गई। नो बेटे, किसके तक दोगली और मुनाफिक फैमिली है। रायान भाई को भी हमसे छीन लिया, उसके बाद भी मम्मी इनको चैन नहीं आया। अल्लाह करे कि जिस तरह इन्होंने हमें बर्बाद किया, ये लोग खुद भी मम्मी बर्बाद हो। खामोश हो जाओ हैबा, प्लीज खामोश हो जाओ। खामोश क्यों करवा रही है कहकशां? सुनने दे, मैं भी सुनू आप दोनों के दिलो दिमाग में क्या जहर भरा हुआ है। जहर हमारे दिलो दिमाग में नहीं आंटी, जहर तो आप लोगों की सोच में है। अच्छा तुम तो चुप ही कर जाओ, तुम्हें असलियत नहीं पता। तुम्हारे वालदैन दुनिया को धोखा दे सकते हैं, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे हकीकत पता है। बहुत अरसा झूठी शानो शौकत पे राज कर लिया, बस पता है तुम्हें असलियत क्या था। तुम्हारा बाप मामूली ठेकेदार जिसको रिश्वत की लत लग गई, 2 से 4, 4 से 16, तो फिर शेख साहब हो गए। और तुम्हारी वालदा न दौलती शो ऑफ, हाथ में 4 पैसे के आगे तो असल में लगा कि मुगलानी महारानी बन गई है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने बुजुर्गों की झूठी कहानियां बनाती हैं। कितनी दफा कहा है कहकशां, असली नस्ली खानदानी लोग बनते नहीं, पैदाइशी होते हैं। हमना ने अगर आप दोनों के लिए मिन्नत ना की होती तो मैं आपको अपने घर में पना कभी ना देती। उसने बहुत बड़ी गलती की, मैंने भी। हमारे बुजुर्ग तो हमेशा यही कहते थे, कम नस्ली वफादार नहीं होते। Enough! बहुत हो गया दिलारा, और बहुत कह लिया आपने, अब और नहीं सुनूंगी। हम जैसे भी थे, असली नस्ली थे या कम नस्ल थे, अपने घर में खुश थे। मम्मी, कि जिस दिन से तुम्हारी बेटी के सब कदम हमारे घर में पड़े, हमारे घर का तो शिराजा ही बिखर गया। बात करती हो आला नस्ल की, आला नस्ल की है तुम्हारी बेटी जिसको तुमने पैदा किया है। नागन है पूरी, जो जाते जाते भी हमें डस गई। तुम्हारी औकात नहीं क्या कशांक के तुम मुझसे इस तरह से बात करो। अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। तुम लोग चैरिटी डिजर्व नहीं करते। फकीर, क्या था तुम्हारा बाप? मामूली ठेकेदार जिसको रिश्वत की लत लग गई, 2 से 4, 4 से 16, तो फिर शेख साहब हो गए। और तुम्हारी वालदा न दौलती शो ऑफ, हाथ में 4 पैसे के आगे तो असल में लगा कि मुगलानी महारानी बन गई है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने बुजुर्गों की झूठी कहानियां बनाती हैं। कितनी दफा कहा है कहकशां,
असली नस्ली खानदानी लोग बनते नहीं, पैदाइशी होते हैं। तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक कहती है बेटा, अगर ये कारोबार, ये सारा बिजनेस तुम्हारे हाथ में होता ना, तो तुम बीच चौराहे पे खड़े होकर ये सारी दौलत, मेरा सारा कारोबार गरीबों में बांट देते। और याद रखो, मेरे पास इस फजूल आर्गुमेंट के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है और ना ही पैसा है। एक कूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं, नॉट अ सिंगल पैनी। हो गई जमानत? जी जमानत हो गई। जेल की बजाय अपने घर में देखकर अच्छा लग। खैर, आप लोग अपनी फैमिली कॉन्फ्रेंस यहाँ कर सकते हैं, मैं फंड रेजर पे जा रही हूँ। लगता है कनाडा से सिर्फ चैरिटी करने के लिए आई हूँ। मिस्टर फाइज शेख, आप शेख फुरकान के साहबजादे हैं ना? जी हाँ। ये वही शेख फुरकान है जिनकी तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी करार देके जब्त कर ली है? जी हाँ, ये वही है, लेकिन उनका मेरी सीवी से क्या ताल्लुक? अभी मैं आपकी फर्म में अपनी स्किल्स के ऊपर जॉब हासिल करना चाहता हूँ, और अगर आप मेरे कैरेक्टर के बारे में या मेरी स्किल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हैं। हाँ मिस्टर फैज, लेकिन आपकी सीवी में आपकी डिग्री भी अटैच नहीं है। जी वो अपने लास्ट सेमेस्टर कुछ कंडीशंस की वजह से कम्प्लीट नहीं कर सका, लेकिन वो फ्रीज हुआ है, मैं जल्दी उसको मुकम्मल कर लूंगा। आई एम सॉरी मिस्टर फैज, मैं आपको ये जॉब ऑफर नहीं कर सकता, मैं माजर खा हूं। लेकिन आप मुझे एक चांस दीजिए प्लीज, मैं आपको अपने आप को प्रूव कर दूंगा। मैंने कहा ना मैं माजर खा हूं, हमारी कंपनी अपनी एम्प्लॉयज की शफाफियत पे यकीन रखती है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। शुक्रिया। नेक्स्ट भेजो। ये वही शेख फुरकान है जिनकी तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी करार देके जब्त कर ली है। आई एम सॉरी मिस्टर फैज, मैं आपको ये जॉब ऑफर नहीं कर सकता, मैं माजरत खा हूँ। लेकिन आप मुझे एक चांस दीजिए प्लीज, मैं आपको अपने आप को प्रूव कर दूँगा। मैंने कहा ना मैं माजरत खा हूँ,
हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज की शफाफियत पे यकीन रखती है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर तुम इसी तरह चलते रहे ना, तो ना मैं तुम्हें अपने बिजनेस में पार्टनर करूंगा और ना ही अपने जायदाद का हिस्सा बनाऊंगा। कुछ तो शर्म करो, अपने भाई की तरफ देखो, रायान भी तो है। क्या जबरदस्त बिजनेस संभाला है उसने। और सयाने देखो क्या सुन रही है आप? अपने लाडले की जबान, ये हमें चोर उचक्का समझता है, करप्ट है हम लोग, शर्म करो। मियां, इन ख्यालात के साथ तुम इस दुनिया में जिंदगी नहीं गुजार सकते। दुनिया को दुनिया के हवाले से जवाब देना पड़ता है। तुम जॉब करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, नौकरियां करना तुम्हारा गोल नहीं है। तुम शेख फुरकान के बेटे हो और उनका बिजनेस संभालोगे। But I'm not interested. अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, अब तो बहुत अच्छी हो गई हूँ, बहुत खुश हो गई हूँ। पहले जरा उदास थी, मगर तुम्हारे आने से मूड बहुत अच्छा हो गया। तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जरा गर्मा गर्म चाय बनाओ और उसके साथ मजे मजे की चीजें खाने को लाओ। जी बेगम साहब। नहीं नहीं, आप उस तकल्लुफ में मत पड़े, मैं तो बस वैसे ही आपसे मिलने के लिए आई हूं। अरे तुम क्या समझ रही हो, मैं तुम्हें जल्दी जाने दूंगी? अब आई हो तो बैठेंगे, बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे। भाई अच्छे लोग और अच्छा वक्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब जब दोनों मैसर आ गए हैं तो क्यों ना हम एंजॉय करें। बैठो बेटा बैठो। आप बहुत अच्छी हैं, आप जैसे लोग बहुत कम देखे मैंने। ऐसी थी नहीं मैं, बहुत गुरूर था मेरे अंदर, एक तकब्बुर, तंतना, हर एक को अपने से हकीर समझना, अपने को बहुत बड़ा समझना। लेकिन कुदरत का नश्तर बहुत बेरहम है, किसी सर्जन के औजार की तरह बहुत सख्त वार करता है। कभी इंसान हंसता भी है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और कभी रोता है तो अपने किए पे हंसी आ जाती है। आपकी गुफ्तगू सुनकर लग रहा है कि आपने अपने अंदर बहुत दुख छुपाए हैं। जब इंसान को अपना ही दुख खाए जाए तो इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं होती। आज से 10 साल पहले जब मुझे कैंसर हुआ था, अगर मैं तभी मर जाती तो इस घर में ये उदासी ना होती। मैंने अपने गलत फैसलों से अपने बेटे की खुशियां बर्बाद कर दी। अरे माँ, फिर वही मायूसी और उदासी वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ ने आपको बुला ही लिया। अब जब आपने हरीम को बुला ही लिया है तो क्यों उदासी की बातें कर रही है? अच्छी अच्छी बातें करें ना। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है बेटा।
अगर मैं जिंदा ना रहती तो शायद तुम जिले हुमा के साथ भी खुश रह लेते। माँ, आइंदा मैं आपके मुंह से ये बात ना सुनूं। आप ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी जिंदगी का दुख हूं, लेकिन तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। आपका साया मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। लीजिए, हमारी बातों ने हरीम को भी उदास कर दिया। आंसू आ गए इनकी आंखों में। अच्छी मेजबानी की है आपने। चलें, आप दोनों मिलकर बातें करें, मैं चलता हूँ। और हरीम, जब आपको जाना हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। जी सर। ओके वाह। हम अपने बेटे हमजा का रिश्ता लेकर आए हैं अपनी बेटी दानिया के लिए। दानियान के बाद आप ही तो मेरे बड़े हैं। आपका हुक्म मैं कैसे मना कर सकती हूँ? लेकिन मुझे मंजूर नहीं है रिश्ता मेरे। जिस जिंदगी के फेस से वो गुजरी है ना, कोई भी औरत इस फेस से जब गुजरती है तो उसके लिए नए रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर से मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ गई हो? तुम मेरे बेटे से दूर हो जाओ। मुझे भी कोई ऐसा बहुत एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। मम्मी प्लीज, इतनी बातें सुनने के बाद आप अभी तक यहाँ बैठी? मम्मी रात गुजर चुकी है, दिन गुजर चुके, और कितना बेइज्जत करवाएंगी आप? लैबा प्लीज थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। मेरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है मुझे कुछ हो जाएगा। मम्मी मुझे भी यही लग रहा है कि मैं यहाँ ज्यादा देर तक रही ना तो मुझे भी कुछ हो जाएगा। इधर आओ। तुमने सुना था ना फैज ने क्या कहा? उसके आने तक हमें यही रहना है। लाइबा, दुनिया बहुत जालिम है, तुम्हें क्या लगता है हम यहां से निकलेंगे तो लोग हार फूलों से हमारा इस्तकबाल करेंगे? वो भी ताने तशने ही देंगे। हम कहां जाएंगे? उससे बेहतर नहीं है कि हम चंद दिनों के लिए लारा की जली कटी बातें सुन ले। हैरत है मामी मुझे, आप वही कहकशां शेख जो किसी का एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करती, जुबान खींच लेती थी। मामी इतना सब्र कहां से आ गया आपके अंदर? किस तरह से आप ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है? वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, तुम भी सीख जाओगी। नहीं मम्मी, इस जहन्नुम में नहीं रहूंगी। आपको यहां रहने आप रहे, लेकिन मैं यहां नहीं रह सकती। फुरकान, आपने तो कभी जरा सी गर्म हवा भी नहीं लगने दी हमें। कहाँ चले गए आप? आकर देखे तो सही आपकी क्या कशा के साल में है। आप वही कहकशा शेख जो किसी का एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर जुबान खींच लेती थी। मम्मी इतना सब्र
कहां से आ गया आपके अंदर? किस तरह से आपने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया? तुम्हारी औकात नहीं क्या कशांक, तुम मुझसे इस तरह से बात करो? अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। तुम लोग चैरिटी डिजर्व नहीं करते फकीर। माँ को ख्याल तो, और मैं जानती हूँ कि ये दुख कितना भारी होता है। माँ तो दरख्त जैसी होती है, छांव ना भी दे सके तो सहारा जरूर देती है। आप ऐसी बातें करके मुदस्सर सर को तकलीफ मत पहुंचाइएगा। तुम बिल्कुल संदल जैसी हो। जितनी देर मेरे पास बैठी रही मुझे खुशबू आती रही, मैं एक सुकून महसूस करती रहती हूँ। लेकिन जब तुम्हारी आंखों में झांकती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई अनजाना खौफ तुम्हारे अंदर ही अंदर सुलग रहा है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? आपसे बन के आज अम्मी की बहुत याद आई, इसलिए झूठ नहीं बोल सकती आपसे। ये सच है, जिंदगी में बेवफा लोग मिल जाएं तो दिल के अंदर आतिशदान सा बन जाता है, फिर चाहे ना चाहे साख्ता बिसाख्ता अंदर ही अंदर कुछ सुलगता रहता है। तुम्हें अपने उस बेवफा से कभी मिलने की ख्वाहिश होती है? कभी नहीं। और अगर कभी वो लौट आया तो उसका लौटना समंदर की बेबस लहर जैसा होगा।
जो कदमों को तो छू सकती है मगर वजूद को सरशार नहीं कर सकती। कमजोर बेबस लहर जो बिना कुछ कहे वापस लौट जाती और साहिल पे खड़ा वजूद किसी और का हाथ थामे एक नई मंजिल की तरफ बढ़ जाता है ना हरी? ऐसे ही है ना? मुझे इजाजत दीजिए आंटी, मेरे वाले साहब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा। रुक रुक रुक, खबरदार बैग दो, मेरे का बैग निकालो। मेरे पास कुछ नहीं है। बैग दो मेरे का। मेरे पास कुछ भी नहीं है। बैग निकालो जल्दी करो। जल्दी करो। मेरे पास कुछ नहीं। Help! 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 क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आप ठीक हैं? लाइबा? भाभी? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ से आ रही हो तुम इस वक्त? आप लोग प्लीज गाड़ी में बैठे। अरे आ गए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गए थे? सलाम वालेकुम। सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। ये इस घर में कैसे दाखिल किया? किसने आने दिया इसे यहाँ? अबू, इससे कहो जिन कदमों पे आई है उन्हीं कदमों पे वापस चली आए यहाँ से। अबू प्लीज, मैं बात करती हूँ। प्लीज अंकल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वापस चली जाती हूँ। नहीं नहीं लहबा, तुम आओ मेरे साथ चलो, मैं बात कर लूंगी अबू से। आओ चलो, मैं अबू से खुद बात करती हूँ। अबू प्लीज मुझसे खफा मत हो, मेरा लाइबा को यहां लाने का मकसद कुछ और नहीं है। ये मुदस्सर सर मुझे घर छोड़ने के लिए आ रहे थे, रास्ते में सुनसान सड़क पे अब्बू उसको कुछ लड़के लूटने की कोशिश कर रहे थे। वो बिल्कुल तनहा थी, बेसहारा थी उस वक्त। तुम भी तो अकेली थी,
तुम भी तो बेसहारा थी जब रात के अंधेरे में इन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। किसी को तरस आया था तुम पे? भूल गई सारी बातें? नहीं, इस कर्ब और तकलीफ का एक एक लम्हा आज भी मेरी रगों में गूंज रहा है।